उत्तर प्रदेश जिला बरेली में राज जागरण युवा संगठन ने बलात्कारियों के पुतले को फांसी देकर केंद्र सरकार से की सजा की मांग। आपको बता दें, बरेली में राज जागरण युवा संगठन द्वारा पटेल चौक पर हैदराबाद में हुई डॉक्टर प्रियंका की सामूहिक बलात्कार के व जलाकर की गई हत्या के विरोध में प्रतीकात्मक बलात्कारी का पुतला बनाकर बीच चौराहे पर फांसी की दी सजा दी गई। संगठन द्वारा ये मांग की गई, इस तरह के अपराधियों को दामातर जेल न रखा जाए, उन्हें तुरंत फांसी की सजा दी जाए ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो, इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, हमारी बहन बेटियां निर्भय होकर कहीं भी आ जा सके। हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका की निर्ममता पूर्वक बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई, इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और हम राष्ट्र जागरण युवा संगठन के मार्फत ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह के हत्यारों को जेल में रखकर उन्हें दामाद न बनाया जाए, उन्हें तत्काल फांसी दी जाए, ये राष्ट्र जागरण युवा संगठन मांग करता है। इस कड़ी में हम सोमवार को माननीय डीएम साहब के मार्फत एक ज्ञापन देंगे माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित कि ऐसे केसों में तुरंत कार्रवाई करते हुए ऐसे दोषियों को तुरंत से तुरंत फांसी की सजा दी जाए। आज आपने क्या कार्यक्रम करा? आज हमने इसी कड़ी में प्रतीकात्मक उन हत्यारों को मतलब पुतले को फांसी की सजा दी है अपनी ओर से, और इस वजह से हम प्रार्थना करते हैं ऐसे दोषियों को फांसी की ही सजा मिले, इससे कम सजा उनके लिए हमें मंजूर नहीं है। बड़ा गंभीर विषय है और बहुत चिंता का विषय है। माँ बेटियों की इज्जत किस तरीके से हमारे भारत में ऐसे समय में, जबकि हम विश्व का गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं बकौल प्रधानमंत्री की, और ऐसे समय में जबकि कार्य करने निकलती हैं हमारी माँ बेटियाँ तो वो सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से डॉक्टर प्रियंका ने अपनी स्कूटी खराब होने की वजह से किसी से मदद मांगी और मदद के रूप में कैसे घिनौने रूप से जो है उनके साथ बलात्कार किया, सहयोगी ने सहयोगी बन के, और उनकी जो है गला काट के हत्या कर दी। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए तुरंत फांसी के अलावा कुछ नहीं, कोई केस ट्रायल नहीं, तुरंत मौके पे ही उनका जो है फांसी लगा के ऐसे लोगों को हत्या करी जाए, तभी समाज में एक भय प्राप्त होगा और हमारी माँ बेटियाँ सुरक्षित हो पाएंगी, यही हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी। है एक तरफ कि महिलाएं खूब पढ़े, लेकिन जब हम सुरक्षित ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे, हमारे लिए निकलना मुनासिब है। हम चाहते हैं कि उनके हत्यारों को जेल में जो है उनकी मेहमान नवाजी न की जाए, उन्हें तुरंत ही फांसी दी जाए, गोली मार दिया जाए सालों को। हम प्रधानमंत्री से यही मांग करेंगे ताकि हम महिलाएं सुरक्षित हो, क्योंकि आगे कोई और ये कोशिश ना कर सके।